पार्लर जाकर रिबॉन्डिंग कराना भूल जाओगे अगर इस रेमेडी को आप ट्राई करोगे। दोस्तों आपके बाल बिल्कुल रेशमी मुलायम बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे, ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको लेना है एक बर्तन में एक ग्लास से डेढ़ ग्लास पानी, फिर उसके बाद उसमें आप चावल के आटे 2 से 3 चम्मच मिक्स कर दें। यहाँ पे ठंडे पानी में ही ऐड करना है चावल के आटे। उसके बाद अच्छे से उसमें 3 से 4 चम्मच अलसी के बीज डाल करके इन सभी चीज़ों को 8 से 10 मिनट तक आपको अच्छे धीमी आँच पर चलाते हुए पकाना है, फिर छान लेना इस तरीके से। और फिर उसके बाद इसमें आप ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल, मेरे बालों के लेंथ के हिसाब से 2 चम्मच। इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको इसको क्या करना है, पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है जड़ों से लेकर के सिरों तक। इस रेमेडी को वीक में 2 बार ट्राई कर सकते हो या फिर 15 दिन में 1 बार 20 से 25 मिनट तक बालों पे रहने दें। उसका नॉर्मल वाटर से वॉश करें और फिर आपको अगले दिन शैम्पू करना है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर करिएगा। दोस्तों सिल्की शाइनी बाल पाने के लिए इस बेकार चीज़ को मैंने इस प्रकार से मेरे बालों पे लगाया कि मेरे बाल बेहद सुंदर बिल्कुल स्पा के जैसे हो गए। बेकार चीज़ क्या है दोस्तों, हमारा है अनियन पील यानी प्याज के छिलके जो अक्सर आप फेंक देते हैं, उसको 1 गिलास पानी में जो है जितने भी प्याज के छिलके आप निकाल के रखते हो उसको डाल दें अच्छे से। उसमें आपको अगली सामग्री फ्लैक्सीड्स यानी तीसी के बीज, अलसी के बीज भी बोलते हैं, इसको डाल सकते हैं लगभग 2 चम्मच। उसको डाल करके दोस्तों आपको इसको 10 मिनट तक अच्छे से उबाले दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से उबाल करके इसको छान लेना है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है ना। उसमें आपको आंवला जूस डाल देना है दोस्तों, जो विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे बालों को बहुत स्ट्रांग करता है, शाइनियर बनाता है। उसको डाल करके आपको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले आप अपने बालों को शैम्पू करके अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद इसी पानी से अपने पूरे बालों को वॉश कर ले, धो ले दोस्तों। जो बाल आपके सामने आएंगे ना एकदम बिल्कुल पार्लर जैसे स्पा जैसे सिल्की शाइनियर बाल बाहर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज में फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ट्रिपल हेयर बूस्टिंग सीरम, जो कि आपके बालों को टूटना झड़ना रोकेगा, बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करेगा, बाल बहुत ही लंबे होंगे। उसके लिए आपको 1 बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है, 3 चम्मच से 4 चम्मच आपको चावल ऐड करना है और 1 चम्मच आपको मेथी दाना, और उसके बाद इसमें आप ऐड कीजिए 1/2 प्याज काट करके, और इन सभी चीज़ों को आपको 8 से 10 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है दोस्तों। कुछ देर में देखिएगा बहुत ही बेहतरीन इसका कलर आया है, इसको छान करके ठंडा कर ले। इसमें 1 से 1.5 चम्मच आप एलोवेरा जेल मिक्स कर दे और इसको अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बॉटल ले ले, उसमें भर ले। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो नॉर्मल आप कॉटन पैड की मदद से भी अपने बालों के स्कैल्प पे लगा सकते हैं। जड़ों पे लगाएं और वीक में 2 से 3 बार लगाएं दोस्तों। कुछ देर तक मसाज करें, 20-25 मिनट तक रख करके आप शैम्पू कर लीजिए दोस्तों, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ट्राई कीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बालों को बेहद काला लंबा घना बनाएगा आज का ये मैजिकल नुस्खा दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव है, बाल आपके बेहद लंबे होंगे। आपको लेना है मेथी दाना, मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स, किसी भी बर्तन में जिसमें आप चाय बनाते हैं उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें। 1 चम्मच आपको डालना है कलौंजी यानी मंगरेला, 2 चम्मच के आसपास आप चावल डाल सकते हैं जो भी आप चावल खाते हैं। उसमें आपको ऐड करना है पानी, कम से कम 1 गिलास पानी ऐड कर दे और इन सभी चीज़ों को दोस्तों आपको अच्छे से उबालना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उबालना है, कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से उबालें और फिर दोस्तों इस पानी को आपको छान लेना है। एकदम से मैजिकल पानी रेडी होकर के आएगा आपके सामने, एकदम जादुई सीरम। इसमें दोस्तों आपको ऐड करना है आपका फेवरेट शैम्पू, इसके अंदर आपको जब पानी गुनगुना रहे तो इसके अंदर आपको डाइल्यूट करना है 2 से 3 चम्मच, जितने आपके बाल की लेंथ है उस हिसाब से इसको अच्छे से मिक्स कर दें और दोस्तों उसी से आपको अपने बालों को वीक में कम से कम 2 बार धोएं, 2 बार DIY बनाएं, 2 बार धोएं, बाल आपके इसी तरीके से बेहद लंबे काले घने हो जाए।